हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। तो टुडेज़ मेकअप ट्यूटोरियल इज़ अ आईज मेकअप ट्यूटोरियल। तो फर्स्टली मैंने अपने आईज़ पर आई प्राइमर लगाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अपनी आईज़ पर आई प्राइमर लगाने के बाद मैं इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दूँगी। अगर आप लोगों को ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना नहीं पसंद तो आप किसी भी ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हैं, फ्लफ़ी ब्रश के साथ। तो मैंने अपनी आईज़ पर आई प्राइमर को सेट कर लिया है विद दी हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। इसके बाद मैं इस पर लूज़ पाउडर लगाकर इसको सेट कर दूँगी। तो मैंने उसके बाद अपनी जो क्रीज लाइन है वो पर्पल कलर की ली हुई है, तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करी अपनी क्रीज पर। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम एक कट क्रीज क्रिएट करेंगे। जब भी आप लोग क्रीज लाइन क्रिएट करें तो उसके लिए आपको एक फ्लफी सा ब्रश लेना होगा, जिसकी मदद से आपकी जो क्रीज है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इसको ब्लेंड करने के बाद हम अपने एक फ्लैट ब्रश पर कंसीलर लेंगे। तो मैं कंसीलर की हेल्प से कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने भी क्रीज लाइन क्रिएट करनी है, कट क्रीज। तो इसको मैं लास्ट तक एंड तक एक प्रॉपर कट क्रीज बनाऊंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसको क्रिएट करने के बाद मैं अपने फ्रंट पर एक लाइट शेडर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं पर्ल शेड का आई शेड अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद लाइक टू डार्क शेड में मैं जा रही हूँ कलर्स को लगाते हुए। इसके बाद मैं लाइट पिंक शेड एंड पर्पल शेड में जा रही हूँ। तो इन सभी कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करना है। इन सभी कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इस तरीके का कुछ लुक आएगा। इसके बाद मैं अपनी आईज पर विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ एंगल ब्रश। तो इससे जेल आईलाइनर